नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और उन जो प्रॉपर्टी है उनको किस तरह हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है उसमें मान लीजिए कोई हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टी, और जो ये फंक्शन है वो डिफाइन है ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ऑफ टी, या इसको एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जीरो से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, और ये जीरो से जो पॉजिटिव वैल्यू है उनके लिए ये डिफाइन है। अब इनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी है वो वन है, तो इस फंक्शन का लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टी वो होगा वन अपॉन एस। इसी प्रकार यदि हमें कोई फंक्शन ऑफ जो फंक्शन ऑफ टी है वो टू दे रखा है, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टू इक्वल्स टू टू अपॉन एस। इसका मतलब है यदि हमें कोई भी जैसे वन टू थ्री इस प्रकार यदि कोई संख्या दे रखी है और उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो संख्या अपॉन एस ये इसकी जो फॉर्मूला वो। अब नेक्स्ट जो अगला है वो देखें, यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है वो दे रखा है हमें टी टू दी पावर एन, और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ टी और ये कितना फंक्शन हमारा है टी की पावर एन, जो ये है इसका ट्रांसफॉर्म है वो देखिए कितना होता है। ये होता है जो हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन। ये जो हमारा कोई फंक्शन एफ ओ जो टी है वो टी टू द पावर माइनस टी टू द पावर एन है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, जहाँ पर जो ये एन है वो होगा जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। अब ये हमारा जो सेकंड फॉर्मूला उस पर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है हमें दे रखा टी स्क्वायर टी टू दी पावर एन, यहाँ पर एन एन इक्वल्स टू टू है, और हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है टी टू दी पावर टू। तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एन फैक्टोरियल एन की जगह दो अपॉन एस टू प्लस वन, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो दो टू अपॉन एस थ्री,
ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब जो हमारा नंबर तीन फॉर्मूला है वो देखिए, यदि हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ टी है और वो हमें दे रखा है ई टू द पावर 8t, और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी कितना है हमारा, ये मान लीजिए ई टू द पावर 8t है, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो देखिए कितना हो, वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए। और यदि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी, यह है ई टू द पावर 8t, तब तो होता है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई टू द पावर 8t का, वो होता है वन अपॉन एस माइनस ए। और यदि इस एक की जगह माइनस 8t आ जाए तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है तो यहाँ पे होता है वन एस प्लस वन और एस प्लस ए। इन दोनों को आप ध्यान में रखना कि किसका कौन सा ट्रांसफॉर्म होता है। जब ये माइनस यहाँ है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जब यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो यहाँ ये नेगेटिव आता है। अब देखिए, तो नंबर फोर फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी दे रखा है, वो हमारा कॉस हाइपोटेन्यूज 8t, और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है फंक्शन ऑफ, तो हमारा कॉस हाइपोटेन्यूज 8t, तो जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है लाप्लास वो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे जो ये ए है इसका स्क्वायर यहाँ पे रखिए, ये माइनस थी ना था यहाँ पे, और ये एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपोटेन्यूज 80। और यदि यहाँ पर कोस की जगह साइन आ जाए तो देखिए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपोटेन्यूज 80। जब ये जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए, जो यहाँ पर ये ए दे रखा है वो ये अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इस तरह याद कर, जो कॉस हाइपोटेन्यूज 80 और जो साइन हाइपोटेन्यूज 80 है उसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन दोनों में जो नीचे है वो हमेशा नेगेटिव आता है, साइन हाइपो साइन और कॉस हमारा साइन 80 और कॉस हाइपोटेन्यूज 80, इन दोनों में जो हमारा ये नीचे है वन अपॉन जो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। और यदि इसकी जगह यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन यदि हम 80 दे रखा हो तब जो यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है साइन 80 का होता है ए, ये हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जो कंडीशन वो ये है कि जो हमारा एस स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन ऑफ ए स्क्वायर से होना चाहिए, नहीं जो हमारा एस है वो एस ग्रेटर देन जीरो, एस हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। और इसी तरह यदि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का ज्ञात करना है तो देखिए कि क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, देखिए हमारा कॉस 80 है तो
तो ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर जो एस है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा यदि हम इनका प्रूफ देखना चाहें तो देखिए जैसे ये है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इक्वल्स टू वन अपॉन एस होता है, तो जो हमारे यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू वन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो इसकी डेफिनेशन है उसके अनुसार यदि हमारा कोई पास कोई फंक्शन ऑफ टी है वो हमें दे रखा है वन, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। देखिए ये हमारी 0 से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू वन डी टी, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी और माइनस एस लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमें आता है वो देखिए यहाँ से देखिए हम वन अपॉन माइनस एस कॉमन निकाल लिया ई टू द पावर माइनस अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट एस इंटू इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर एस इंटू 0, तो हम जानते हैं ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल और ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा माइनस 1, ये हमारा माइनस 1 अपॉन एस है इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास आता है 1 अपॉन एस। और यही हमारी जो फॉर्मूला था वो है देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इक्वल्स टू वन अपॉन एस। इसी तरह यदि हम प्रूव करना चाहें तो आगे देखिए जैसे कि हमारा जो लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 80, इसका ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन एस माइनस ए। यदि हम इसको प्रूव करना चाहें तो देखिए किस तरह कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी है वो कितना ई टू द पावर 80, तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो ई की पावर 80 इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर 80 डी टी। अब इसका हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ये हमारी लिमिट ई टू दी पावर यहाँ से हम टी कॉमन निकाल लेते हैं तो ए माइनस एस इंटू टी और ये डी टी, तो हमें इंटीग्रेशन करना है ई टू द पावर समथिंग। तो चलिए हम जानते हैं एक का इंटीग्रेशन वन
और जो टी है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ए माइनस एस, और ये लिमिट हो गई हमारी 0 से इनफाइनाइट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/s - a, और यही हमारा जो फॉर्मूला था उससे आ रहा था। इसी प्रकार यदि हम प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देखिए हम प्रूव करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपोटेन्यूज 80, ये होता है एस, और यदि कॉस हाइपोटेन्यूज 80 है तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आना चाहिए। और प्रूव करते हैं, चलिए इसको देखते हैं कि ये इतना आ रहा है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो कितना एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कोस हाइपोटेन्यूज 80, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, चलिए इसको सीधा करते हैं, कोस हाइपोटेन्यूज 80 अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डिफिनेशन उसके अनुसार e^-st cos हाइपोटेन्यूज 80, और ये dt, ये हमारा dt। अब देखिए हम इसको इस तरह नगर करके दूसरी तरीके से करते हैं। देखिए तो हमारा कोस है कोस हाइपोटेन्यूज 80, इसका मान होता है e^80 + e^-80/2, और जो हमारा साइन हाइपोटेन्यूज 80 होता है उसका मान होता है e^80 - e^-80/2। तो हमें ज्ञात करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपोटेन्यूज 80। तो चलिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम e^80 + e^-80, और हम जानते हैं कि e^80 का और e^-80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हम जानते हैं। तो देखिए आगे हमने यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^80 + e^-80। तो देखिए ये हमारा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^80, इसका होता है 1/s - a, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e^-80, यदि माइनस आता है तो ये 1/s + 1 होता है। यहाँ से देखिए 1/2 हमारा यहाँ से एलसीएम s - a, s + a, यहाँ से s + a वज्रगुण से +s - a, तो s से a कैंसिल हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 2s आएगा, यहाँ से 2 आएगा उससे ये 2 को कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा हमारा s, और जब हम नीचे सोल्व करेंगे जब हम इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो आएगा एस, और जब नीचे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा s² - a² यही हमारा कोस
हाइपोटेन्यूज एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। देखिए इसको आगे हो तो देखिए यहाँ पर टी की पावर एक है, यहाँ पर टी की पावर दो है, यहाँ पर टी की पावर तीन है, तो एन फैक्टोरियल वन अपॉन एस एन, यहाँ पर एन का मान कितना एस एक, तो एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन प्लस। अब देखिए ये एन फैक्टोरियल एन की जगह दो अपॉन एस दो प्लस वन, इसी तरह यहाँ पे एन फैक्टोरियल तीन अपॉन टू थ्री प्लस वन। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं जैसे वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू अपॉन एस क्यूब प्लस थ्री अपॉन एस टू द पावर फोर। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो हमारा फंक्शन दे रखा था टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी टी क्यूब, तो उसका ये आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।